Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see which one to learn first. CSS, Tailwind CSS or Bootstrap. जी हाँ गाइस, तो बताना चाहूंगा आज के समय बेसिकली 2024 में टेलविंड सीएसएस बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है। इवन आप लाइक सर्वे चेकआउट कर सकते हो, टेलविंड सीएसएस जो है दो बूटस्ट्रैप से कम यूज होता है, बट जो डेवलपर्स का जो डिमांड है कि हाँ हमें टेलविंड सीएसएस पे काम करना है वो रैपिडली बढ़ता ही जा रहा है। एंड मेनी फ्रेमवर्क्स लाइक नेक्स्ट एंड ऑल उन्होंने तो बाय डिफॉल्ट टेलविंड सीएसएस को लाइक डिफॉल्ट ही बना दिया फॉर स्टाइलिंग, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज 2024 के समय में आपको सबसे पहले स्टाइलिंग के लिए किस लैंग्वेज के साथ जाना जरूरी है, तो कौन सा सीखना जरूरी है। तो गाइस दोस हु आर इन हरी, उनके लिए मैं पहले बोल देता हूँ, सीएसएस विल बी नंबर वन नो मैटर व्हाट, देन सेकंड विल बी बूटस्ट्रैप एंड देन थर्ड विल बी टेलविंड सीएसएस। बट एट द एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सेकंड एंड देन ये जो थर्ड पोजीशन है दैट इज योर टेलविंड सीएसएस एंड देन योर बूटस्ट्रैप, ये इंटरचेंज हो सकता है। किन्हीं के लिए बूटस्ट्रैप विल बी द सेकंड और किसी किसी के लिए टेलविंड सीएसएस विल बी द सेकंड, तो वो तो मैं एकदम एंड में बताऊंगा, बट नो मैटर व्हाट सीएसएस विल बी आवर नंबर वन। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों हमें सीएसएस पहले सीखना है एंड देन बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड को हम बाद में कंपेयर करते हैं। सो सीएसएस, सो गाइस नंबर वन पॉइंट विल बी योर मेन फाउंडेशन नॉलेज। जी हाँ गाइस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये कि सीएसएस को सीखना इट्स लाइक कि आपका जो मेन फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना फॉर स्टाइलिंग योर वेब एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, जब भी बात आती है वेबसाइट में स्टाइल करना, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, टेक्स्ट को मोटा पतला करना, यू नो एनिमेशन ऐड करना, हवरिंग ऐड करना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, रेस्पॉन्सिव बनाना, ये सब किसका काम है, सीएसएस का काम है। अगर आप जो डिफॉल्ट सीएसएस जो प्योर सीएसएस है अगर उसको आप सीखते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। एंड वंस आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो आप कोई भी वेबसाइट कह लीजिए उसको आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज द रीजन व्हाई गाइस, अगर आप सीएसएस सीखते हो तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि बैकग्राउंड कलर किसे कहते हैं, टेक्स्ट कलर किसे कहते हैं, ये एनिमेशन क्या होता है, ये स्यूडो क्लासेस स्यूडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं, है ना, आपके ये स्पेसिफिसिटी क्या होती है, आपका ये पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट, ये जी इंडेक्स, ये सारी चीजें क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और एकदम इनडेप्थ में आपको पता चल जाएगा। सो सीएसएस सीखना इट्स लाइक कि आप अपना जो फाउंडेशन है, जो पिलर है घर का, जो मेन पिलर होता है ना फॉर स्टाइलिंग, उसको आप स्ट्रांग कर रहे हो। एंड वंस आपका गाइस अगर ये पिलर एकदम स्ट्रांग हो गया, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, तो अंदर के पार्ट में तो कुछ भी कर दो ना, किसका क्या जा रहा है, समझ रहे हो। सो नंबर वन पॉइंट इज सीएसएस सीखने से आपका जो फाउंडेशन है ना स्टाइलिंग को लेके कि वेब एप्लीकेशन में कैसे स्टाइल होता है वो स्ट्रांग हो जाएगा। दिस इज इट, इट इज मोर देन इनफ गाइस। सेकंड विल बी योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन कस्टमाइजेशन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसएस का, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पावर है ये, यू नो, जिसमें गाइस आप कुछ भी यूनिक डिजाइंस या लेआउट्स या स्टाइलिंग आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आपके पास है, सारे एलिमेंट्स आपके पास है, सारे सेलेक्टर्स आपके पास है, आप यूज कीजिए जैसा आपका मन होता है वैसा लेआउट्स आप क्रिएट कीजिए, वैसे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो, वैसे स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। एंड कस्टमाइजेशन का तो क्या ही बोलना गाइस, आप लाइक एक बार आप सीएसएस ट्राई तो करके देखो एंड आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट सीएसएस कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट वन एंड पार्ट टू, आप इसको एक बार देखिए आपको पता चल जाएगा, आपको मतलब मजा आ जाएगा। मोर देन 10 प्लस प्रोजेक्ट्स एंड में मैंने मेगा प्रोजेक्ट डाला है, मल्टी पेज रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, उसको भी आप चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पावर ऑफ सीएसएस क्या है। एंड गाइस थर्ड वन विल बी अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट। जी हाँ गाइस, वंस आप सीएसएस सीख लेते हो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो विथ एनी अदर लाइब्रेरी ऑफ फ्रेमवर्क्स। जी हाँ गाइस, सीएसएस अगर आपने सीख लिया तो सीएसएस के बेस पे जितने भी स्टाइलिंग्स के लिए लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, चाहे वो आपका बूटस्ट्रैप हो, टेलविंड सीएसएस हो, चाहे वो आपका स्टाइल्ड कंपोनेंट हो, मटेरियल यूआई हो, बेसिकली जितने भी हो, यू नो, आप गाइस एक बार सीएसएस सीख लेते हो ना तो उनको सीखने में आपको फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो नो मैटर व्हाट, अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइलिंग इज व्हाट योर सीएसएस इज, तो सीएसएस आपको सीखना जरूरी। सो गाइस ये तीन पॉइंट थे सीएसएस को लेके एंड आई होप आपको पता चल ही चुका है कि क्यों सीएसएस को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन सेकंड, अब इधर बूटस्ट्रैप हो सकता है या तो टेलविंड सीएसएस हो सकता है, बट आई विल सेलेक्ट बूटस्ट्रैप फॉर नाउ। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत सभी लोग बूटस्ट्रैप ही यूज कर रहे हैं, नो मैटर आप सर्वे में भी देख सकते हो बूटस्ट्रैप अभी भी वाइडली यूज हो रहा है। एंड द रीजन व्हाई बूटस्ट्रैप वाइडली यूज हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड डेवलपमेंट। इसका सिंपल मतलब ये कि लेट्स इमेजिन, है ना, मुझे सीएसएस की मदद से एक बटन बनाना है जिसका टेक्स्ट कलर, आई मीन जिसका टेक्स्ट का जो कलर होगा इट विल बी व्हाइट, बैकग्राउंड विल बी ब्लू, हल्का सा बॉर्डर रेडियस देना है एंड देन जब मैं हवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क करना है।
तो इसके लिए आप देख सकते हो कि गाइस मुझे कितना सारा कोड लिखना पड़ता है और एक क्लास मुझे वहां पे ऐड करना पड़ता है HTML के फाइल में एज एन एट्रीब्यूट बटन के सामने, राइट। सो गाइस आप देख सकते हो कि अगर सेम पीस ऑफ स्टाइलिंग मुझे अगर बूटस्ट्रैप में चाहिए, उसमें ऑलरेडी क्लासेस बने हुए, तो लाइक बटन क्लास इक्वल टू btn, फिर कुछ नहीं, btn क्या चाहिए, प्राइमरी चाहिए, डेंजर चाहिए, तो बटन प्राइमरी, खत्म। बस ये दो क्लास लिखूंगा, मेरा काम हो गया। क्योंकि बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया कि जो प्रॉपर्टी हम लिखते किसी स्टाइल को पाने के लिए, उन्होंने ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, उसको एक क्लास का नाम दे दिया। तो अब हमें बस बूटस्ट्रैप का वो जो क्लास है उसको यूज करना है एंड ऑटोमेटिक उस स्टाइल वहां पे ऐड हो जाएगा। तो एक तरफ CSS में मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा था टू जस्ट गेट वन सिंपल बटन का स्टाइल, बट बूटस्ट्रैप में देख सकते हो जस्ट बटन बटन प्राइमरी खत्म। तो ये पावर है बूटस्ट्रैप का कि रैपिड डेवलपमेंट, एकदम क्विक आप कर सकते हो। आपके पास भरे पड़े टेम्पलेट्स है इसके अंदर, भरे पड़े डिजाइन से, लेआउट से, सिंपल वो कॉपी पेस्ट खत्म। सो गाइस आप देख ही सकते हो कि बूटस्ट्रैप में काम करना कितना ज्यादा इजी। एंड एक चीज तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि अगर आपको CSS नहीं आया होता तो आप बूटस्ट्रैप पे काम नहीं कर पाते। आप दिमाग चकरा जाता, आप सोचते यार बटन प्राइमरी लिख के ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप इंस्पेक्ट करके देखते हो तब आपको पता चलता है बिहाइंड द सीन वो CSS ही है। बस हमें जो कोड लिखना पड़ता था वो हमारे बिहाइंड में बूटस्ट्रैप लिख दिया, बोल रहा भाई खाली आप क्लास यूज करो, दैट्स इट, दैट्स व्हाई CSS नंबर वन था। बट बूटस्ट्रैप आपको पता चला बहुत ही ज्यादा इजी है। बूटस्ट्रैप आप इजीली एक दिन तो क्या बोलूं, बट 3 दिन में आप इजीली समझ जाओगे। एंड मैं ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं इन वन कोर्स, वर्ल्ड बेस्ट बूटस्ट्रैप कोर्स, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड विल बी कंसिस्टेंसी। अगेन यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा है बूटस्ट्रैप वालों ने। मुझे तो रटा हुआ लाइक कुछ भी, अगर मुझे 3x2 तीन कॉलम, चार कॉलम या दो कॉलम, यू नो मतलब रेस्पॉन्सिव बनाना हो, पहले चार फिर तीन फिर दो फिर एक, इस तरीके से, तो कंटेनर रो कॉल या तो कॉल -1 कॉल MD-2 कॉल large-3 मुझे रटा हुआ है। मुझे पूरा अच्छे से याद है कि मतलब ऐसे हाथ बैठा हुआ था मेरे यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी मैटर है नो मैटर व्हाट, बहुत इजी है बूटस्ट्रैप एट द एंड में, अगर आपको सिंपल कहूं तो। थर्ड वन विल बी इजी टू यूज। ये थर्ड वन तो क्या बोलना पॉइंट, बट या इट्स अगेन इट्स इजी टू यूज, क्योंकि जो कोड हमें लाइक CSS में खुद से मैन्युअली करना पड़ता था, एक क्लास का नाम दो पहले फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखो, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी लिखी हुई है पहले से, खाली वो क्लास का नाम हमें देना है, मतलब आप समझ रहे हो लाइक बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है, इट्स सुपर डुपर इजी। खाली आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, कंपोनेंट्स में जाना, चेक करना आपको बटन चाहिए येलो बटन, ये आपको टेक्स्ट का डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए येलो टेक्स्ट का, या आपको कैरोसेल चाहिए येलो कैरोसेल, आपको एकॉर्डियन चाहिए येलो एकॉर्डियन, मतलब बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा बेस्ट है, यू नो। एंड बेस्ट पार्ट है कि खाली ऐसा ना हो कि बटन के केस में 5-6 बटन ही दिए, उसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए होगा, तो अगेन CSS यूज करो, वहां पे भी आप CSS यूज कर सकते हो, तो यू हैव कंप्लीट पावर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई गाइस बूटस्ट्रैप बहुत चला था, एंड मैं जब 2016-17 में काम कर रहा था मैं भी बूटस्ट्रैप पे ही करता था। इवन आप मेरे बूटस्ट्रैप के कोर्स देख सकते हो, भरे पड़े, आज से 5-6 साल पहले मैंने बूटस्ट्रैप पे बहुत बना रखा है वीडियो, ठीक है। सो सेकेंड नंबर पे मैं बूटस्ट्रैप रखता हूँ, बट ये सिर्फ उनके लिए था जिनको कंपनी में अभी बूटस्ट्रैप की रिक्वायरमेंट है। बट इफ यू आर ए फ्रेशर एंड अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो किसी कंपनी में एंड वहां पे क्लियरली लिखा है टेलविंड CSS ना कि बूटस्ट्रैप CSS, राइट, तो आपके लिए तो ऑब्वियसली टेलविंड पढ़ना पड़ेगा ना। मैं बूटस्ट्रैप सेकंड पे रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप उसको बूटस्ट्रैप सीखो, नहीं। अगर आपके कंपनी में टेलविंड की रिक्वायरमेंट है एंड अगर आप डायरेक्टली CSS के बाद जंप कर रहे हो, देन यू कैन डायरेक्टली गो विथ टेलविंड CSS। सो दैट्स व्हाई गाइस थर्ड पॉइंट पे वी हैव अ टेलविंड CSS, एंड टेलविंड CSS अगेन फॉर मी, जब मैंने इनिशियली देखा था तो मुझे लगा कि जब हम CSS में, इफ यू रिमेम्बर, हम 3 तरीके से कोड कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल एंड देन एक्सटर्नल स्टाइल। तो ये जो इनलाइन स्टाइल है ना, तो ये सेम टेलविंड CSS मुझे वही लगा था, एंड हमने उस समय ये बोला था कि इनलाइन CSS जो है हमें यूज नहीं करना बिकॉज ऑफ इट्स प्रायोरिटी, जो कि एकदम टॉप पे होती है, जिसके चलते रेस्पॉन्सिवनेस में काम प्रॉब्लम आ सकता है। बट टेलविंड तो उसी अप्रोच को लेके चल रहा है यहाँ पे, है ना। सो दैट्स द रीजन व्हाई गाइस टेलविंड CSS का पहला पॉइंट होता है गाइस यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच। आप बहुत इजीली देख सकते हो कि गाइस टेलविंड CSS में वी हैव लॉट्स ऑफ क्लासेस जिसको हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, बेसिकली इट्स लाइक योर इनलाइन CSS ओनली, लेकिन एक डिफरेंस आप देख सकते हो। सो गाइस आप एग्जांपल में देख सकते हो कि अगर मैं आपको इनलाइन CSS दिखाऊं एंड देन टेलविंड CSS की मदद से दिखाऊं, तो सबसे पहले इनलाइन CSS में आप देख सकते हो कि मुझे लेट्स से बटन को एक बैकग्राउंड कलर देना, तो वी नीड टू राइट बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर व्हाइट। लेट्स से मुझे पैडिंग देना है, तो मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप एंड देन पैडिंग बॉटम को 4,
पैडिंग लेफ्ट एंड देन पैडिंग राइट को 2 एंड देन मुझे अगर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगेगा तो मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा, ठीक है। बट वही सेम पीस ऑफ कोड को अगर मुझे अब टेलविंड सेसिस के थ्रू करना रहा तो आप देख सकते हो कि बटन में क्लासेस में जो वो बैकग्राउंड कलर ब्लू जो था ना, आप बहुत इजीली देख सकते हो, नाउ इट्स ओनली बीजी ब्लू। बेसिकली ये 500 उसका सेट से 100 एकदम हल्का होगा, 500 600 700 डार्क होता जाएगा, टेक्स्ट वाइट पीएक्स 4 पीवाई 2 एंड देन राउंडेड। तो आप देख सकते हो कि गाइस यहां पे क्लासेस को इन्होंने एकदम सिंपलीफाइड कर दिया है, बट कहीं ना कहीं ये बेटर भी है, ठीक है। सो आपको ये जो क्लासेस है बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, एंड दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था वंस अगर आपको सीएसएस आता है देन टेलविंड सीएसएस भी आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन टेलविंड सीएसएस में सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। सो गाइस दैट्स व्हाई इन सेकंड पॉइंट वी हैव दिस कस्टमाइजेशन। अभी मतलब इनिशियली मुझे भी यही लगा था, बहुतों को यही लगता है खाली ये इनलाइन तरीके से लिखते जाना भाई टाइम पास, मुझे कसम से मुझे तो फालतू लगता है ये। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता गया मुझे पता चला कि हम इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें आप गाइस अपना खुद का कस्टम कोड यहाँ पे लिख सकते हो, एंड लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो तो गाइस आप अगर वीडियो देखोगे कहीं से भी आपको पता चल जाएगा या डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली टेलविंड सीएसएस का वर्जन 4 रिलीज हो चुका है एंड वो अभी फिलहाल अपने अल्फा स्टेज में, एंड उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक बार उसको जरा चेकआउट कीजिए कि अब कस्टम कोड लिखना यू नो इन टेलविंड सीएसएस वो बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। अब उसको एक बार चेकआउट कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। बट इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो कोड हम पहले सीएसएस के थ्रू करते थे यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस, सेम वो कोड ना हम टेलविंड में भी कर सकते हैं। सो इट्स लाइक कि गाइस आपके पास और पावर आ गया है। सो दैट इज द वन बेस्ट ब्यूटी एंड कस्टमाइजेशन गाइस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सो वो सेम ही है, वंस आपको सीएसएस आ गया देन टेलविंड में आप थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन या एक दो ट्यूटोरियल देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्यों टेलविंड सीएसएस जो है पूरी दुनिया इसी की बात कर रही है। बट आपको ये जरूर है कि गाइस प्रैक्टिस बहुत लगेगी एंड इनिशियल फेज में तो आपका एचटीएमएल का फाइल पूरा कचरा होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कचरा नहीं है भाई, यही फ्यूचर है। एंड गाइस एट द एंड फाइनल पॉइंट फॉर द टेलविंड सीएसएस विल बी इट्स परफॉर्मेंस। या गाइस इट्स परफॉर्मेंस, इसका सिंपल मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप का तो आप रहने दो, परफॉर्मेंस की जब बात करेंगे तो बूटस्ट्रैप सबसे पीछे, क्योंकि बूटस्ट्रैप द मोमेंट आपने लोड की उसके जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टाइल शीट्स होते पूरे के पूरे वहां पे आ जाएंगे। एक तो वो तो रहने दो, वो तो गया बाहर, तो उसको तो रहने दीजिए, बचा आपका ट्रेडिशनल सीएसएस एंड देन यूर ये टेलविंड सीएसएस। तो ट्रेडिशनल सीएसएस में भी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम इवन आप देख सकते हो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हमारे वर्ल्ड बेस्ट कोर्स में, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है, हम क्या करते हैं पहले ही हमें मालूम है ना कि मेरा पैराग्राफ या मेरे बटन्स मेरे एलिमेंट्स कितना लाइन हाइट होना चाहिए, क्या मेरा प्राइमरी कलर है। हम बेसिकली क्या करते हैं हमारा सीएसएस का जो वेरिएबल से वो बना के रख देते हैं, फॉन्ट साइज डिफाइन करके बहुत सारे प्री डिफाइंड कोड हम खुद से लिख के रख देते हैं, एंड लेटर ऑन जब जब लगता है हम उसका यूज करते जाते हैं। रिपीटेटिव कोड बहुत होता है बट मजा आता है, ठीक है। एंड बहुत बार ऐसा होता है सीएसएस में काम करते समय कि ऐसे ऐसे क्लासेस हम लिख देते हैं, ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी बना के छोड़ देते हैं, एंड लेटर ऑन प्रोजेक्ट जब बड़ा होते जाता है हम उसको चेंज करते जाते हैं, एंड जो ऊपर में हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था बहुत पहले उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि एट द एंड क्या मैटर करता है रिजल्ट। रिजल्ट तो हमें अच्छा दिख रहा है, यूजर इंटरफेस राइट, इवन यूजर का जो एक्सपीरियंस है यूएक्स एंड देन यूआई वो तो सही हो गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं एंड हम उसको प्रोडक्शन के लिए लाइव कर देते। बट टेलविंड सीएसएस में ऐसा नहीं है। टेलविंड सीएसएस में जो हम यूज कर रहे हैं हमारे एचटीएमएल फाइल में जिसका यूज हो रहा है, एट द एंड जब हम उसको बिल्ड करते हैं तो सिर्फ उतना ही कोड जो है उसका आउटपुट वाला फाइल, एट द एंड तो उसको भी बनना गाइस देखो एट द एंड टेलविंड सीएसएस को जब हम बिल्ड करेंगे तो बनना सीएसएस ही है। जो हमने टेलविंड में लिखा वो जैसे हम नॉर्मली सीएसएस करते थे वही फाइल वो जनरेट करता है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे उन्होंने प्रोसेस ऐड कर दिए जिसके चलते रिडंडेंट कोड हो गए या जितने भी आप डुप्लीकेट्स कह लीजिए वो सबको वो हटा के जितना कोड एक्चुअल में यूज हो रहा है सिर्फ उसी का ही आउटपुट फाइल वो क्रिएट करता है, एंड साथ ही साथ मिनिफिकेशन एंड बहुत सारी चीजें करके उसको एकदम कंप्रेस कर देता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो टेलविंड इज लाइक ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। एंड मे बी शायद ये भी रीजन हो सकता है कि क्यों कंपनी मोस्टली आज के डेवलपर सब रिएक्ट विथ टेलविंड, नेक्स्ट विथ टेलविंड, रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट प्लस टेलविंड, आप समझ रहे हो, जावास्क्रिप्ट भी नहीं टाइपस्क्रिप्ट आ चुका है, सीएसएस नहीं टेलविंड सीएसएस आ चुका है। बट उसी में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टाइपस्क्रिप्ट आने के लिए पहले जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, टेलविंड सीएसएस आने के लिए पहले सीएसएस आना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि तीनों में से कौन सा बेटर है।
अब बेटर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, गुड स्टेप लगता है। मैंने कहा था ना लास्ट में मैं बताऊंगा दोनों, सेकेंड एंड देन थर्ड पोजिशन, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपके लिए कौन सा रहेगा। अगर आप कंपनी में काम करो जहां पे बूटस्ट्रैप यूज होता है, बूटस्ट्रैप पे प्रोजेक्ट्स बनाने, तो टेलविन क्या करोगे आप, बूटस्ट्रैप सीखो ना खत्म, बूटस्ट्रैप को ही मास्टर कर लो अच्छे से। बट हाँ, टेलविन का थोड़ा बहुत नॉलेज रख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ आपके कंपनी में अगर टेलविन की रिक्वायरमेंट है, तो आफ्टर सीएसएस नो मैटर व्हाट डायरेक्ट टेलविन पे जम नहीं करना, सीएसएस सीखने के बाद जम करना है एंड देन टेलविन सीएसएस को सीखना है। एंड इफ यू आर अ फ्रेशर जो अभी कॉलेज में पढ़े, देन आई रिकमेंड टू गो विथ टेलविन सीएसएस, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बूटस्ट्रैप अभी के टाइम में जो यूथ है, यू नो जो जेंजी, अब जेंजी क्या बोलना है, यूथ वाले जो बच्चे, वो मोस्टली टेलविंड ही कर रहे, क्योंकि सभी टेलविंड की बात कर रहे, समझ रहे हो। एंड आपको जो प्रोजेक्ट्स होंगे या इवन जितने भी कोर्सेस है, वो भी अब आपको टेलविंड में ही देखने मिलता है, या तो प्योर सीएसएस या तो स्टाइल्ड कंपोनेंट में। सो दिस इज इट, आई होप आपको पता चल गया होगा, नो मैटर वॉट सीएसएस आपको सीखना ही पड़ेगा। ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट सीएसएस कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सेकेंड, आपका इधर बूटस्ट्रैप सीखिए या तो टेलविन सीएसएस सीखिए। बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, टेलविन के ऊपर जस्ट मैंने वर्जन 4 का जो अभी लेटेस्ट रिलीज है उसको अपलोड किए मैंने, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीएसएस आता नहीं तो भूल जाओ, टेलविन बूटस्ट्रैप स्टाइल सब भूल जाओ, पहले सीएसएस सीखो, देन उसके बाद आपको क्या लगता है, आपको प्रोजेक्ट्स किस प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो तो वहां की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ही इधर बूटस्ट्रैप या टेलविंड आप सिलेक्ट कीजिए। बट आई हाईली रिकमेंड टू गो विद टेलविंड सीएसएस फॉर नाउ, अगर आप एकदम बिगिनर हो या अगर आप अपने आपको लेवल अप करना चाहते हो। एल्स कंपनी में अगर बूटस्ट्रैप है तो गो विद बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत ईजी, आप इजिली सीख जाओगे। दिस इज इट, ये थे मेरे रिकमेंडेशन गाइस। आपका क्या रिकमेंडेशन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मैं आपको मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।